शुद्धि ज्ञान का भी लक्षण है, शुद्धि भक्ति का भी लक्षण है, और शुद्धि विवेक का गुण है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवत् दुःखः। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, यदि सुख चाहते हो तो आहार विहार की शुद्धि कीजिए, भोजन भी शुद्धता से बनाइए। एक पति बैठा था, देख रहा था, उसकी पत्नी आटा मांड रही थी, तो पत्नी को थोड़ा थोड़ा जुखाम था, उसने नाक पोंछ करके उधर किया और धोती में पोंछा, फिर उसी उंगलियों से आटा मांड दिया। पति ने देख लिया, उसने कहा रुको 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 रुको, ये तो आटा गंदा हो गया। तो पत्नी ने कहा क्यों गंदा हुआ? पति बोला कि तुमने नाक की रिमट निकाल के उधर डाली और हाथ धोया नहीं, उंगली धोई नहीं, उसी से फिर आटा मांड दिया तो गंदा हो गया। तो पत्नी हंसी और मुस्कुराई कि आपको देखना ही नहीं चाहिए था। बोले क्यों? बोले 20 साल से यही हो रहा है, इतनी गंदगी। अरे राम राम, बहुत खतरनाक है। पति ने कहा कि अरे रघुपति राघव राजा राम, अब पता ना पाऊं पति राम। माताओं बहनों से नम्र निवेदन है, क्योंकि ये घर घर में भंडारी होती है, विशेष सफाई का ध्यान रखिए। पुरुषों से भी निवेदन व्यास गादी कर रही है, ऐसा वैसा खान पान बंद कर दीजिए। तो मैं एक कहानी सुना रहा था, मेरे गुरु जी ने मुझको सुनाया था कि पति पत्नी बच्चों को लेकर मंदिर दर्शन के लिए गए और वहां जब शुरू हुआ पूजा पाठ का मंत्र, तो तुमेव माता च पिता तुमेव, सभी भक्त हाथ जोड़कर गा रहे थे, तुम भी गा सकते हो। तो मूर्ति की ओर, भगवान की मूर्ति की ओर देखकर गा रहे थे, तुमेव माता च पिता तुम। पति को मन में ख्याल आया, जूता है कि कोई ले गया, हाथ जुड़े जुड़े पति मुड़ा उधर जूतों की तरफ, बोला तुम्हें वो बंधुस च सखा तुम। पुजारी हंसने लगा, मेरे जूता को बंधुस सखा बता रहा। फिर याद आया मेरे बच्चे कहाँ हैं, ये 3-4 बच्चे इधर उधर भटक जाएंगे भीड़ भाड़ में, कुचल जाए, दब जाए, भगदड़ हो जाए, कुछ हो जाए। तो बच्चों की तरफ हाथ जोड़े जुड़े बोला कि तुम्हें वो विद्या द्रविड़म तुम्हें। फिर याद आया कि मेरी वाइफ कहाँ है, वाइफ नहीं तो लाइफ नहीं। तो पत्नी की तरफ हाथ जोड़कर मंत्र बोला तुम्हें वो सर्वम मम देव देव। पत्नी ने कहा निकलो बाहर, बस यही चाहती हूं, मैं सब देवों की देव देवी हूं। ये मंत्र पढ़ रहे मन एकाग्र नहीं हो रहा है, मन चंचल है। सत्संग में बैठते हैं तो मन में न जाने क्या क्या याद कर रहे, मंदिर में जाते हैं तन मंदिर में, मन भटक रहा कहीं बाहर। मन को वश में करिए, और जिसका मन वश में है वो विद्यार्थी टापर विद्यार्थी बनता है, जिस साधु का मन वश में है वो साधु टापर साधु बनता है, और जिस वैज्ञानिक का मन पूर्ण वश में है वो याद रखना टापर वैज्ञानिक बनता है। कंसंट्रेट ऑफ माइंड, आपके जीवन में विशेष सफलता का द्वार खोलती है। लेकिन बच्चों का माइंड मोबाइल में कंसंट्रेट होता है, मोबाइल देखते हैं बस उसी में डूबे रहते हैं। मोबाइल आपके समय को भी बहुत बिगाड़ देता है। मोबाइल की आदत पड़ गई ज्यादा, याद रखना आपकी नींद का भी दुश्मन मोबाइल है, नींद भी भंग हो जाएगी। मोबाइल तुमको चिड़चिड़ा बना सकता है, मोबाइल तुम्हारे भीतर सुप्त अवस्था में पड़े हुए क्रोध को भी जागृत कर देगा,
और मोबाइल अनलिमिटेड काम वासना को पैदा कर देगा। तुम कुछ ऐसा कर बैठोगे जिसको देखने सुनने लायक नहीं रह जाओगे। इसलिए कृपया मोबाइल के खतरों से भी सावधान रहो। सदुपयोग करिए। एक आदमी बाजार गया था तो वहां तलवार बिक रही थी, तो बोर्ड में लिखा हुआ था चोर को मारती है, डाकू को काटती है, दुश्मन को खंड खंड कर देती है ऐसी तलवार। तो उस आदमी ने कहा, अरे ये तो बहुत काम करती है, बड़ी गुणवान तलवार, एक ले लेता हूं। एक ले लिया, पूछा क्या रेट? तलवार विक्रेता ने कहा बहुत सस्ती है, इसका रेट 5000। अरे 5000 में चोर को मारती है, डाकू को काटती है और दुश्मन के खंड खंड कर देती है, शत्रु से रक्षा करती है, ये तो बहुत सस्ती, ले लेकर आ गया। पत्नी ने पूछा ये क्या लाए? बोले तलवार। ये क्या करेगी? अरे चोर को मारेगी, दुश्मन के खंड खंड कर देगी, रक्षा करेगी मेरी, डाकुओं के टुकड़े टुकड़े कर देगी। पत्नी भी खुश हुई, बोले रखो इसको संभाल के। तो उसने अपने बिस्तर पर एक किनारे रखा। पत्नी भी थोड़ा डरी कि रात में नाराज हो जाए, मेरा ही खंड खंड कर दे तो। अस्त्र शस्त्र धारी से खतरा ज्यादा है। रात में चोर आया, उसी रात चोर घुसा, तो उस गृहस्थ ने तलवार से कहा कि चोर आया है, इसको मारो। तलवार उठी ही नहीं, तलवार ने मारा ही नहीं, वो बिस्तर पर धरी रही। अरे उठती क्यों नहीं है? ये चोर के टांग में मार। तलवार हिली ही नहीं, तब तक चोर चोरी करके भाग गया। तो उसको गुस्सा आ गया और बोला तेरा मुंह कूच दूंगा। तलवार की धार पर मुक्का मारा तो उसका हाथ कट गया। तो फिर बोला तेरे को मैं लात से जितनी लातें मारूंगा दिमाग से ही कर दूंगा। तो लात मारा तो लात कट गई, टांग कट गई। तो बहुत गुस्सा आया, ये तो घर ही में कत्ल कर रही है, ना चोर को मारती है ना डाकू को मारती, मेरे को ही मारती काटती। सवेरा हुआ, तलवार लेकर के तलवार विक्रेता की दुकान पर पहुंचा। बोला अरे मूर्ख, तू कहता था ये चोर को मारती है, डाकू को काटती है, दुश्मन के खंड खंड करती है, ये तो मेरा ही खंड कर दिया, हाथ कट गया, टांग कट गई। तो दुकानदार हंसने लगा कि मूर्ख राज, इसको हाथ में लेकर मारना पड़ता है, अपने आप उठ के नहीं मारती, इसको यूज करना सीखो। इसी प्रकार से याद रखना, मोबाइल को यदि मिस यूज किया तो ये मोबाइल तुम्हारा ही खंड खंड कर देगा, बर्बाद कर देगा। अगर सही यूज किया तो ये मोबाइल तुम्हारी रक्षा भी करेगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।